नेपालपुर क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इंदौर जिले की बेकमा पुलिस ने 200 लीटर अवैध शराब, एक टाटा एस वाहन व 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर 3 व्यक्ति मेघवाड़ा फाटा पर धार तरफ से एक टाटा एस लोडिंग वाहन में बेकमा तरफ बड़ी मात्रा में अवैध शराब लेकर आ रहा है। उक्त सूचना पर उप निरीक्षक बिहारी सांवले, प्रधान आरक्षक जगदीश डाबर, आरक्षक चालक मुकेश द्वारा उक्त गाड़ी को घेराबंदी कर रोका गया। वाहन से पुलिस ने 200 लीटर अवैध शराब, करीब 12,000 रुपयों की होना पाया गया। अवैध शराब के साथ प्रकाश पिता बद्री पवार, कमल पिता सायवार पवार, राम सिंह पिता बनारसी यादव को धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कल रात करीबन 8 बजे हम लोग थाने से और थाने के मोबाइल से इंदौर अहमदाबाद रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी समय थाने पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके बताया कि टाटा एस गाड़ी MP09LP7507 में अवैध शराब का परिवहन हो रहा है, जो मेठवाड़ा गांव तरफ से इधर बेटमा तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत हमारे द्वारा पेट्रोलिंग गाड़ी मेठवाड़ा फाटे पे गई और एक स्पीड से गाड़ी आती हुई दिखी, जिसे हमने रोका। उसमें 3 व्यक्ति सवार थे, जो पुलिस को देखकर गाड़ी चालू हालत में खड़ी छोड़कर भागने लगे, जिन्हें हम लोगों ने पकड़ा और वाहन को चेक किया तो त्रिपाल वाहन लोडिंग वाहन में पीछे 5 केन थी 40-40 लीटर की। उसमें हमने चेक किया, त्रिपाल से ढकी हुई थी, खोल को हटा के देखा तो उसमें महुआ हाथ भरती कच्ची शराब होना पाएगी, जो करीबन 200 लीटर है। कीमत क्या होगी? कीमत करीबन 12,000 रुपये। 12,000 कहाँ ले जा रहे थे ये? धार तरफ शादी में ले जा रहे थे, आदिवासी समाज की कहीं शादी थी। कहाँ से लाए थे ये? इधर उदयनगर तरफ से। उदयनगर से लाए। और भी कुछ हुआ इससे? हाँ, तीनों लोगों को हमने गिरफ्तार करके वो वाहन भी जब्त किया और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है और आगे और कार्रवाई जारी है। अभी PR पे भेजा है, जांच जारी है और वाहन के रास्ते की कार्रवाई भी होगी। आपका नाम? उप निरीक्षक बिहारी सावले। देपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट।